ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। डबल मर्डर के फरार 30,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी अनुसार भिंड देहात पुलिस के द्वारा 1 अगस्त को दिन दहाड़े ग्राम चवासा में हुई दो हत्याओं के आरोपियों को देहात पुलिस ने मुखबिर तंत्र की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी रामशंकर कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, रामभजन उर्फ बंटी कुशवाहा द्वारा ग्राम चवासा में मुकेश पिता छोटेलाल कुशवाहा व प्रवीण कुशवाहा की अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। घटना गंभीरता से देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई, जिसमें अपेक्षाकृत रिजल्ट दिए। हत्या करने के बाद निरंतर पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश दी जा रही थी। पुलिस को मुखबिर ने बताया कि हत्या के आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिल से ग्राम किटैना से हाट से गुजर रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी विक्टर मोटरसाइकिल से थे, पुलिस को देख मोटरसाइकिल मोड़ पर खड़े कर भागने लगे, जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। आरोपी के द्वारा अपना नाम रामशंकर, पिता पान सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम जवासा व राम भजन उर्फ बंटी कुशवाहा निवासी ग्राम सिरोट थाना पोरसा जिला मुरैना बताया गया। तीसरा बलराम सिंह, पिता पान सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम जवासा का होना बताया। आरोपियों से हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने जिस हथियारों से हत्या की थी उन हथियारों के बारे में बताया। गांव के अंदर हार में एक कुएं पर हथियारों को छिपाया बताया। पुलिस के द्वारा ढूंढने पर जब हथियार नहीं मिले तो कड़ी पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम तैपरा थाना कटेर के किशोर कुशवाहा के घर होना बताया गया। पुलिस ने दबिश देकर ग्राम देपरा किशोर सिंह के घर में 315 बोर की अधिया, दो कट्टे में कारतूस के बरामद किए। आरोपियों ने बताया कि मृतक मुकेश कुशवाहा से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके लिए काफी बार प्रयास किया गया, लेकिन मुकेश की जानकारी के लिए गांव के युवक विशाल कुशवाहा द्वारा ही, लेकिन आज पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा जाता तो कल्लू कुशवाहा की हत्या भी करने वाले थे। हमें हथियार किशोर कुशवाहा अपने घर से लाकर देता था और हम काम तमाम कर देते थे। टीम को डीजीपी महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। ये दो इसका मर्डर किया, क्या बता रहे थे? 376 का आरोपी इसलिए 376 का आरोपी 376 का आरोपी है वो, और आज से नहीं, मेरी कई 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 टाइम से, कई सालों से मेरी दुश्मनी चल रही है उसके विरुद्ध। मेरे को एक साल से ज्यादा घर छोड़े हो गया, मैं गांव में मेरा जाना मुश्किल हो गया था। 376 किसके साथ किया था? किसके साथ? मेरी बहन के साथ। अच्छा अच्छा, कब? एक साल हो गई, एक साल डेढ़ साल करीबन हो गए। वो इस पुलिस को शिकायत नहीं की थी? हाँ, पुलिस को शिकायत की, केस चल रहा था, गिरफ्तारी हुई थी उसकी, गिरफ्तारी हुई थी। जमानत पर होगा? जमानत एक महीने बाद छूट गया था। अच्छा अच्छा, तीसरी हत्या भी करना चाहते थे जी? किसकी? माया शंकर। ये कौन है? ये परिवार में उसी का भतीजा है। तो इसकी क्यों करना चाहते हैं? ये उसका राइट हैंड है हमको बर्बाद करने में, इज्जत से, पैसे से, हर चीज से। माया शंकर और मुकेश, ये दोनों पाप है। अच्छा, तुम्हें अपने किए का पछतावा या फक्र है? मुझे पछतावा है, तो सिर्फ एक रिश्तेदार मारा गया है उसका, बाकी मुझे कोई पछतावा नहीं। कोई पछतावा? सजा भुगतने के लिए तैयार है। थैंक यू। दिनांक 1/8 को थाना हाट बिहार क्षेत्र में जवासा गांव में डबल मर्डर घटना हुई थी, जिसमें थाना पर अपराध क्रमांक की कायमी की गई और अपराधियों की पतारसी के लिए प्रयास किए गए। चिंता की बात इसमें यह थी, ये सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी कि ये आरोपी जो हैं घटना के, ये दूसरी अन्य घटना घटित कर सकते हैं, गंभीर अपराध घटित कर सकते हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व मार्गदर्शन में अवलंब टीमों का गठन किया गया और उसका परिणाम रहा कि हमने 48 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को कर दिया। हत्या के पीछे वजह क्या रही है सर? क्यों की गई हत्या? क्या कारण पाए इसके पीछे? दोनों परिवारों पूर्व के अपराधों को लेकर के रंजिश थी, जिसमें से यह अपराध घटित हुआ। किस तरह की रंजिश थी सर? जो मृतक है वो आरोपी की बहन का उसने किडनैप किया था, जिसमें से 300 केस रजिस्टर था, उसके मन उसी घटना को लेकर आक्रोश था। मतलब करना चाहते थे ऐसा पता लगा? हाँ, ऐसी जानकारी पुलिस को थी। सबूत किया है? नहीं, अभी मुझे इसका जानकारी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में ये बात आएगी सर। तो सर, क्या बहन का बदला लेना चाह रहा था इस कारण से उसके? ऐसा उसने बताया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसमें? आरोपी गिरफ्तार कर दिया है।
पीयूष को पकड़ने। कहाँ से हथियार खरीदते थे और कहाँ से हथियार ले? ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जारी है। तो ये प्लानिंग क्या सर पहले से चल रही थी जो आरोपी के दिमाग में?